Quantities students, assalamu alaikum wa rahmatullah. Pre-ninth class का physics का lecture है sir ये, और हमारा chapter number जो 1 हम study कर रहे हैं physical quantities and measurement. और topic है आज का हमारा base and derived units. इसे last lecture में हमने study किया है base quantities और derived quantities. और उसके बाद हमारा एक लेक्चर यूनिट्स पर हुआ है, यूनिट्स और सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स पर. तो आज हमें बात करना है बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में सर. सर ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. और इसकी सर दो टाइप्स हैं, एक तो सर है बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज. और इसी तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स. बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज होते हैं वो बेस यूनिट्स होते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज होते हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं. अब सर हम देखते हैं कि बेस यूनिट्स क्या हैं. तो बेस यूनिट्स को बच्चों स्टडी करने के लिए उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि सिंपल डेफिनेशन है कि द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू मेजर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स. तो यूनिट का तो हमने डिफाइन किया हुआ है ना कि यूनिट किसी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया होता है, वो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है. तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्वांटिटी 7 हमने लास्ट स्टडी की हुई है ना, तो हमारे पास बेस यूनिट्स जो होंगे वो टोटल 7 ही होंगे. ये हमने टेबल पहले भी देखा हुआ है, पहले भी इसको स्टडी किया था जब हमने बेस यूनिट्स को, बेस क्वांटिटीज को पढ़ा था. तो यहाँ हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं. लेंथ जिसका सिंबल है स्मॉल एल, मैस स्मॉल एम, टाइम स्मॉल टी, टेम्परेचर कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैपिटल एल, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एन. ये हमारे पास टोटल जो हैं वो 7 बेस क्वांटिटीज हैं. तो आज हमने इन 7 बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को देखना है कि लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनके यूनिट्स क्या सेट किए हुए हैं हमने सर. तो बेस यूनिट्स का ये सेकेंड टेबल ये आपको शो हुआ सामने. अब सर इसमें हमें देखना ये है कि लेंथ का यूनिट जो है वो सर मीटर है. ये बेस यूनिट्स हमको हम फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं, और इसी तरह बेस क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं. ये सर जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में 1960 में, वहाँ पे इन तमाम बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को सेट किया गया, और हर क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया. फिर उस क्वांटिटी को वर्ल्ड वाइड उसी स्टैंडर्ड के लिहाज से जो है ना मेजर किया जाने लगा. तो लेंथ का सर ऐसा यूनिट क्या है, लेंथ का बेस यूनिट जो है वो मीटर है, जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. और मैस का जो यूनिट है वो सर किलोग्राम है, जिसे हम स्मॉल के स्मॉल जी यानी के जी से रिप्रेजेंट करते हैं. और टाइम का जो यूनिट है वो सर सेकंड है, जिसे हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं. टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, जिसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं. सर केल्विन साइंटिस्ट के नेम से है, लॉर्ड केल्विन, तो ये कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे. और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है, इसको भी हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे. एम्पेयर भी साइंटिस्ट के नेम से ही ये यूनिट डिराइव्ड है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है वो कैंडेला है, और कैंडेला जो वर्ड है वो कैंडल के लिए यूज होता है लैटिन लैंग्वेज में. लैटिन जैसे आप लोगों ने फिजिक्स के स्टार्ट में पढ़ा कि साइंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से डिराइव्ड है, इसी तरह से कैंडेला जो है वो लैटिन वर्ड है. लैटिन लैंग्वेज में कैंडल को कैंडेला बोला जाता है. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, चूँकि लाइट से रिलेटेड ये क्वान्टिटी है, इसीलिए कैंडल भी लाइट से रिलेटेड ही हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे इसलिए बेस यूनिट्स में इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो है वो कैंडेला यूनिट है, और इसे हम स्मॉल सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं.
लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो बेस यूनिट है वो सर मोल है, और इसको हम एम ओ एल ओनली इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर यहाँ पे आपको ये बताता चलें कि ये जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और यहाँ पे हमारे पास है सर ये मैस। अब सर मैस और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है? सर मैस क्वांटिटी ऑफ मैटर है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर। बड़े ऑब्जेक्ट्स को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम मैस को लेते हैं और उसका यूनिट किलोग्राम है। एटॉमिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे हम जो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लेते हैं, और वहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से बात करते हैं। तो ये जहन में रखिएगा, छोटा सा स्मॉल स्केल पे हम जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे इस मेजर करते हैं उसे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहेंगे, जो कि एटम नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ होगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसके लिए यूनिट हम मोल यूज़ करेंगे। इसका आप डिटेल जो है वो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में भी आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इस मोल का कंसेप्ट डिटेल में डीपली वहाँ आप स्टडी कर लेंगे कि जी हमने बुक से आज कितना काम किया है। थोड़ा सा काम है बच्चों आज का हमारा, ये पेज नंबर 5 के लास्ट पे जो है ये बेस यूनिट्स की डेफिनेशन है बच्चों। ये बेस यूनिट्स की डेफिनेशन यहाँ से करेंगे आप, यहाँ रिवाइज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।